बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम इस इस्मिन नाज़ आई एम फ्रॉम एम के और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन सो डियर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपैरेटिव एग्जाम्स लाइक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पी पी एस सी एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफ पी एस सी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एस पी एस सी खैबर पखतनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के पी पी एस सी एंड बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन बी पी एस सी सो वो कैंडिडेट्स जो कि एक गवर्नमेंट जॉब अटेन करना चाहते हैं थ्रू एनी ऑफ दि कम्पटिव एग्जाम्स तो वो इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं बाई लुकिंग एट दिडस एंड दिस वीडियो इट विल भी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल एज स्टूडेंट्स जो हैं इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर सिक्योरिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी और इन एनी यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू द मेडिकल और हेल्थ देल्थ ओके सो जो मटेरियल इसमें कोड किया गया है इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स बुक्स एंड दिस सोर्स बुक्स इंक्लूड्स दफोलॉजी फेडरल बायोलॉजी जोलॉजी मिलर एंड हार्ले बुक So, uh, well. so, ियल uh, या इस टॉपिक में मजीद जो जो टॉपिक इंक्ल्यूड हो सकते हैं उनको टोटली हर लिहाज से डिस्कस कर दिया गया है ठीक है सो कॉन्टेंट्स जो हम इसमें डिस्कस करेंगे इनक्लूड्स द न्यूट्रिशन एंड डायजेशन Feeding mechanisms, dentition, main stages of food processing, extracellular digestion, diversity in digestive structures, mammalian digestive system, parts and process of digestion, reception, conduction and storage, grinding and early digestion, terminal digestion and absorption. वाटर एब्सॉर्बेशन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ओके सो वन बाय वन हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन ये क्या होती है जी न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द फर्स्ट डेफिनेशन न्यूट्रिशन क्या है digests absorbs stores and uses the food or nutrients to meet its metabolic needs yani nutrition jo hai ye ek aisa process hai jisme hum तो so, nutrition एक ऐसा process है जिसमें जो animals हैं यानी हम humans हैं animals एनिमल्स हैं Uh, इसमें जो फूड है इट्स गोइंग टू बी इनटेकन ठीक है फूड uh, को हम इनटेक करते हैं देन हमारी फूड में जो हमारी बॉडी है उसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है ठीक है वो डाइजेस्ट होती है अपने स्मॉलर सब यूनिट्स में देन स्मॉलर सब यूनिट्स को एब्सॉर्ब किया जाता है सेल्स में उनको स्टोर किया जाता है और डिफरेंट मेटाबोलिक प्रोसेस में उन सब यूनिट्स को यूज़ किया जाता है ठीक है जैसे कि हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड लिपिड्स इनकी ब्रेकडाउन होगी इनके सब यूनिट्स में लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आर गोइंग टू कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिकली और उसके बाद जो हमारे पास हैं, दे तो, तो इनके जो सब यूनिट्स हैं अब ये हमारे ब्लड में से सेल्स अब्सॉर्ब होंगे देन सेल्स में इनको मजीद इनकी ब्रेक डाउन होगी और मेटाबोलिक रिएक्शन में ये इनकॉर्पोरेट करेंगे सो so, डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन सो डाइजेशन जो है एक केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है यानी एक ब्रेक डाउन है हमारे पास हमारी बॉडी में फूड्स की इन टू पार्टिकल्स दैट द इंडिविजुअल कैन एबजॉर्व ठीक है डाइजेशन so, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकली और केमिकली यानी मैके हमारी जो गट है उसकी मूवमेंट से और केमिकली के उसमें डिफरेंट तरह के एनजाइम्स के रिलीज होने से जो फूड है इट विल बी ब्रोकन डाउन इन टू दिपलर सब यूनिट और फिर इनको हमारे सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे फॉर द मेटाबोलिक रिएक्शन ओके सो ये न्यूट्रिशन और डाइजेशन की जो है वो हमारे पास डेफिनेशन है नाउ ऑप्टेनिंग एनर्जी की हम बात करेंगे कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास दे ऑल रिक्वायर एनर्जी फॉर मेंटेनिंग देयर कम्पलेक्स स्ट्रक्चर्स तो जो हमारे पास एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का दिस सोर्स इज सन एंड सन की जो एनर्जी है फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी फिक्स्ड इनटू द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स ठीक है तो सनलाइट की जो एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स तो प्लांट्स को हम फोटोट्रॉप्स भी कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं बिकॉज दे कैन यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ सन लाइट टू मेक द गुकोज दैट इज अमिकल फॉर्म ठीक है देन हमारे पास है जी हैट्रोट्रॉप तो हैट्रोट्रॉप वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खुद से फूड को सिंथिसाइज नहीं कर सकते यानी ये अपनी जो एनर्जी है वो खुद ऑप्टेन नहीं कर सकते इनको सिंथिसाइज फॉर्म ने केमिकल फॉर्म में एनर्जी की जरूरत होती है ठीक है तो एनिमल्स जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड या तो ये प्लांट्स पे या फिर अपने ही जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हैं सो एनिमल्स जो हैं द देट्रोट्रॉफिक एनिमल्स आर फर्दर डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज तो सबसे पहले हैं हमारे पास हर्बी बोर्ड दे आर गोइंग टू फीड ऑन द प्लांट्स ओके और एल जी कार्निवल्स आर गोइंग टू फीड ऑन द दर्बीवोर्स ओके मीन्स ऑन द अदर एनिमल्स then omnivores omnivores uh, can feed on both the plants and the animals okay and then the saprophygous animals they are going to feed on the dead or decaying organic matter so all of these are uh, the obtaining energy processes okay now why we eat ओके okay, जी सो so हमारे पास जो है वो वी रिक्वासकी वजह से हमें चीजों को खाने की जरूरत पड़ती है सो द फर्स्ट थिंग इज द फ्यूल ठीक है हमारे जो सेल्स है फॉर द सेलुलर वर्क वी नीड द फ्यूल तो ये जो फ्यूल है ये किस फॉर्म में है ये जो हमारे पास मेजर uh, हमारे मिनरल्स हैं मेजर न्यूट्रिय हैं उनकी ब्रेकडाउन से जो हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट्स बनते हैं लाइक द गुकोज दिपिड्स सो so, ये हमारे पास फ्यूल का काम करते हैं ठीक है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं तो हम खाते इसलिए हैं ताकि हमारी बॉडी फ्यूल अप हो सके हमारी बॉडी को फ्यूल मिल सके इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिय आर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स ओके नाउ वी नीड ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स फॉर द बायोसिंथेसिस तो हमारी बॉडी में डिफरेंट चीजों की सिंथेसिस के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ दीज थ्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके नाउ द इसेंशियलेंशियल हो सके हमारे ऑर्गेनिक रॉ मटीरियल की डिमांड कम्पलीट हो सके और इसेंशियल न्यूट्रिय हमारी बॉडी को मिल सके नाउ द फीडिंग मैकेनिज्म ओके सो द फर्स्ट मैकेनिज्म इज द पैरासिटीजम ठीक है तो शॉर्टली हम इन सबको डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट फीडिंग मैकेनिज्म को तो पैरासिटिज्म में क्या है हमारे पास थी एक पैरासाइट और एक होस्ट है सो पैरासाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट या तो वो होस्ट uh, की बॉडी की सरफेस पे या फिर उसकी बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है ताकि उनकी डिमांड्स पूरी हो सके अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पैरासाइट्स की ब्लड पैरासाइट्स फॉर एग्जांपल द मलेरिया प्लाज्मोरियल प्लाज्मोडियम ओके And uh, the protozoan parasites like the amoeba, paramecium, then the tapeworms, okay, then acanthocephalans. Uh, these are parasitic worms having proboscis, or uh, all of these are the parasites. Now, the second type is the continuous versus discontinuous feeders. So. जो हमारे पास कंटिन्यूस फीडर्स होते हैं ये स्लो मूविंग और कंप्लीटली सिसाइल एनिमल्स हैं ठीक है दे रिमेन परमानेंटली इन वन प्लेस यानी ये एक प्लेस के साथ अटैच्ड या एक ही स्पेसिफिक प्लेस में प्रेजेंट होते हैं और स्लो मूविंग है कंप्लीटली सिसाइल है यानी मूव नहीं कर सकते ज्यादा फास्टली ज्यादा एक्टिव नहीं है ठीक है और कंटिन्यूस फीडर्स हैं कि इन्हें कंटिन्यूसली जो है वो फीडिंग करने की जरूरत पड़ती है थोड़ा थोड़ा कुछ खाने की जरूरत पड़ती है सो so, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी कुछ सस्पेंशन फीडर्स फॉर एग्जांपल ट्यूब वर्म्स एंड क्लैम्स दे रिमेन इन वन प्लेस एंड कंटिन्यूसली स्ट्रेन द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर एक ही प्लेस पे ये अटैच रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पानी में से जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रेनिंग करते हैं और उनको एनी फिल्टर करते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं देन ऑन द अदर हैंड

और फिर उसको कुछ को जो है वो अपनी बॉडी में डायरेक्टली यूज कर लेंगे और कुछ को स्टोर कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर तो इन्हें कंटिन्यूसली फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दे आर डिसकन्टीन्यूअस फीडर्स ओके सो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कार्निवोर्स और इसके अलावा जी हर्बी ठीक है नाव दिसपेंशन फीडर्स तो जो सस्पेंशन फीडर्स हैं दे लीड टू द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम फ्राम वाटर बाय कैप्चरिंग ट्रैपिंग और फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स यानी ये पानी में प्रेजेंट होते हैं और वाटर में जितने भी फूड पार्टिकल्स होंगे सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स ये उनको कैप्चर करते हैं विद हेल्प ऑफ सीलिया और सम काइंड ऑफ स्टिकी मटेरियल्स ठीक है उनको ट्रैप करते हैं और फिल्टर करके उनको कंज्यूम कर लेते हैं और इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्पॉन्जेस Ascidians, branchiopods ectoprocts entoprocts poronuts bivalves crustaceans polychaetes gastropods and some non-vertebrate chordates okay now the filter feeding सो फिल्टर फीडिंग जो है ये हमारे पास स्पेसिफिकली फिश में ऑब्जर्व करने की जाती है और फिल्टर फीडिंग में जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं दे आर गोइंग टू स्ट्रेन द फूड फ्रॉम फ्राम वाटर एज इट पासिस फिल्टरिंग डिवाइस अगर हम फिश की बात करें तो फिश में जो फिल्टरिंग डिवाइस है वो इनके गिल्स हैं ठीक है तो जब गिल्स में से पानी गुजरता है सो दिस वाटर इज कंटेनिंग द फूड पार्टिकल्स सो वाटर में जो फूड पार्टिकल्स होंगे दे विल बी ट्रैप्ड इन द गिल्स ठीक है और इस तरीके से और भी डिफरेंट हमारे पास फिल्टरिंग ऑपरेटर्स होते हैं और इसकी हेल्प से ये जो फूड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएंगे गिल्स में फिर इनको स्लोली जो है वो माउथ की तरफ इन, इनकी मूवमेंट करवाई जाएगी तो इसमें हमारे पास है हेरिंग देन शार्क्स एंड हैडन ऑल ऑफ दिज आर एग्जाम्पल ऑफ द फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिजम्स नाउ दे डिपोजिट फीडर्स सो डिपोजिट फीडर्स की अगर हम बात करें दीज एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ द सॉफ्ट बॉटम हैबिटेट्स ठीक है मड और सैंड ऑफ द टेरेस्ट्रियल सोइल्स यानी हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल uh, सोइल है या हमारे पास एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट है तो उसमें जो मड और सैंड में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स

अगर हम अर्थवर्म को ही चेक करें तो अर्थवर्म जो है ये सॉइल में जो एक ह्यूमस प्रेजेंट होता है उसके करता है ठीक है यानी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं दैट हैज बीन इन द सॉइल तो ये सॉइल को ही राउंड फॉर्म में छोटी छोटी बॉल्स बना के उसके एनगल्फ कर रहा होता है और इसमें भी जितना ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ये इसको कंज्यूम कर लेगा और जो वेस्ट होगा उसको रिलीज आउट कर देगा नाउ दी बोरी तो अगर हम ऑफ़ द को प्लांट्स so so, और यू कैन माइक्रोस्कोपिक जी ठीक है तो प्लांट्स और एल पे जो फीडिंग करते हैं इन्हें हम हर्बी uh, वोर्स कहते हैं और ये जो फीडिंग मेकेजम है दिस मेकेज नोन एज हर्बी बोरी हर्बी में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं Now, the predation. अगर हम प्रिडेशन की बात करें और प्रे रिलेशनशिप होता है उसमें ऑर्गेनिज्म है, है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर करता है और प्रे एक जो शिकार है उसको हम प्रे कहते हैं और शिकारी को प्रीडियटर कहा जाता है सो प्रिडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फीडिंग स्ट्रेटीज बिकॉज इट रिक्वायर दैप्चर ऑफ द लाइफ प्रे ना दिनी एट uh protozoans okay the Nemersians, and uh, the polychaete worms the gastropods octopus squid crab sea star and many vertebrates and uh, other examples include the mantids shrimp crabs spiders polychaetes and other many vertebrates now the fluid feeders so फलूड फीडर्स जो है हमारे पास ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बाकी ऑर्गेनिज़म्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो बॉडी उनके ऊपर फीडिंग करते हैं ठीक है उन्हीं से ही न्यूट्रिएंट्स को करते हैं. तो इसमें हमारे पास हैं इंटेस्टाइनल ठीक है जो कि पैरासाइट्स के, के तौर पर वर्क करते हैं लीच यू कैन सी ही डायग्राम माइट्स है फिश है ये ब्लड को सक करती है एंड अदर सर्टेन नाउ दी डेंटीशन तो डेंटीशन कैसी है जी हमारे पास ऑर्गेनिज्म्स की विद रेफरेंस टू द फीडिंग मेकैनिज्म प्रेडेटर्स हैव इवॉल्व्ड अ वैरायटी ऑफ वे टू कैप्चर होल्ड एंड स्वैलो दी प्रे एंड मेनी स्वैलो दी फूड आइटम्स होल सम हैव स्पेशलाइज्ड टीथ बीक और टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स एंड सम है

देन हमारे पास केनाइंस हैं केनाइंस जो हैं बिल्कुल फ्रंट वाले जो तीथ हैं इन साइज़ेस उनके साथ कुछ शार्प और नुकीले तीथ होते हैं दैट आर नोन एज केनाइंस तो केनाइंस का मकसद होता है सीजिंग पायरसिंग और टेयरिंग यानी बेहोश करना प्रे को उसे प्रॉपर तरीके से पकड़ना और उसकी चीड़ फाड़ करना यानी उसकी टेयरिंग करना ठीक है तो इसे हम कहते हैं केनाइंस देन हमारे पास हैं जी पोस्टीरियर वाले टीथ हैं जिनकी बिल्कुल लार्ज और यू कैन से ब्रॉड सरफेस एरिया जिनका होता है ठीक है और इनका काम होता है ग्राइंडिंग करना और क्रशिंग करना एज यू कैन सीज आर द प्री मोलर्स और मोलर्स है लार्ज ग्राइंडिंग सर्फिस सो अपने रेडूला रेडूला एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अः uh, बिल्कुल नीचे वाली सरफेस पे तीत लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनकी हेल्प से वो लीफ को खुरेदता है ठीक है उसकी कटिंग करता है और फूड को एनगल्फ करेगा इंसेक्ट्स हैव ग्राइंडिंग एंड कटिंग मैंडिबल्स तो इंसेक्ट्स में मैंडिबल्स यूज होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग एंड कटिंग फूड और मैमल्स मैमल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास मोलर्स हैं जी फॉर द ग्राइंडिंग पर्पजेज फूड की ग्राइंडिंग के लिए हमारे पास मोलर्स हैं जो फूड को इस हद तक छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन उसकी कर देते हैं कि हम इजीली उसको एनगल्फ कर देंगे ठीक है देन हमारे पास मेन स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग है सो द मेन स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग फर्स्ट स्टेज इज द इंजेस्टन तो इंजेस्टन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को एनगल्फ करते हैं इनटेक करते हैं ठीक है

लुलर डाइजे और इंट्रासेलर डाइजेशन इन दोनों का हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमे हमारे पास एनिमल्स जो है दे आर गोइंग टू फीड ऑन दर्गेनिज्म या ऑन द प्लांट्स ठीक है यानी ये कोई भी फूड पार्टिकल हो जो उसको एनगल्फ करते हैं उसको खाते हैं ठीक है वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस होगा दे आर गोइंग टू एंगल्फ द फूड और फिर इनकी बॉडी में प्रॉपर एक डाइजेस्टिव कैविटी uh, है और उस डाइजेस्टिव कैविटी में एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं एंड दीज एंजाइम्स आर गोइंग टू अटैक ऑन द फूड मॉलिक्यूल्स सो दैट दीज फूड मॉलिक्यूल्स माइट बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स ठीक है और फिर ये स्मॉलर फूड पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली सेल्स में मूव uh, कर सकें फॉरपोरेटेड इन इनटू द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ठीक है हमारे तो पास एक्स्ट्रा सेलोर डाइजेशन इस ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स आउटसाइड द सेल्स यानी में नहीं बल्कि ये डाइजेशन कैविटीज में होती है ठीक है एलिमेंट्री so, है एंजाइम्स so को कौन से क्रिएट करेगा यही हमारे पास तो के नाल, uh, की, की, की जो एलिट्री के रेडिएट्स फ्लैट विज ऑर्गेनिजम्स आर अंडर गोइंग बोथ द इंट्रासेर एंड एक्सट्रा सेलुलर डाइजे बट दर्थ्रोपोर्ट एंड ऑल दर्टिडिंग टू दी एंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फिर हमारे पास है जी इंट्रासेलुलर डाइजेशन तो इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये है इंट्रा सेलुलर यानी सेल्स के अंदर तो ये हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम में होती है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है वो फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं मींस एनगल्फ नहीं करेंगे उनकी मेम्ब्रेन से जो है वो फेगोसाइटोसिस के जरिए पिनोसाइटोसिस के जरिए फूड पार्टिकल्स उनके सेल्स में एंटर होंगे क्योंकि ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है और फिर उनकी बॉडी में ही यानी उनकी उनके उस सेल में ही एंजाइम्स रिलीज होते हैं उस फूड पार्टिकल की ब्रेक डाउन करने के लिए तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रा डाइजेशन अब हम बात करेंगे जी डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स तो वर्टिब्रेट्स में जो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स हैं हम ये देखेंगे कि उनमें डिफरेंस किस किस लिहाज से है किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइबरी रिलीज करते हैं ठीक है इसमें हम देखेंगे फिशिज की अगर हम बात करें तो फिशिज में कोई स्लाइबरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स में सिर्फ ये देखना है कि स्ट्रक्चर्स कौन से हैं और हर ऑर्गेनिज्म में कैसे एक दूसरे से ये स्ट्रक्चर्स वेरी कर रहे हैं तो जैसे हमने देखा में, जो है लेकिन ये एक्सेप्शन है एक लैम्परे में जो है ना वो पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये ग्लैंड ऐसी रिलीज करते हैं है? यानी जब लैंपरे अपने जो जो अपना प्रे होगा Uh, उससे ब्लड को सक करेगी तो इनके ग्लैंड से ऐसी सिक्रीशन रिलीज होगी और ये जो प्रे होगा उसमें से uh, जो ब्लीडिंग है उसको कंटिन्यू करेगी यानी उसको ब्लड को जमने नहीं देगी ठीक है सो सिक्रीटन एंटीकोएगुलेंट नीडिड टू कीप देयर प्रेज ब्लड फ्लोइंग एस दे फीड जब ब्लैंप्रे अपने प्रे के ऊपर फीडिंग करती है ठीक है प्रे के ब्लड के ऊपर फीडिंग करती है तो इसके ग्लैंड्स से एंटीकोगुलेंट रिलीज होगा दैट विल लीड टू द एब्सेंस ऑफ द कोएगुलेशन यानी ये जमने नहीं देगा अपने प्रे के ब्लड को और वो ब्लड फ्लो करता रहेगा ठीक है देन हमारे पास है जी स्नेक स्नेक्स में अगर हम बात करें तो स्नेक्स के जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं दे हैव बीन मॉडिफाइड टू uh, रिलीज है यानी ये जहर बनाने में मोडिफाई हो चुके हैं और ये जो वेनम है ये बनता किसमें है? तो है, है और फैंग्स ही से जो वैनम है वो रिलीज होता है।, पास बर्थ, बर्थ में जो है वो कोई भी स्लाइबरिक नहीं होते लेकिन जितने भी मैमल्स हैं दे ऑल है स्लाइवरी

अब हम देखते हैं कि एसोफेगस इन इज शॉर्ट इन फिशेस ठीक है एंड एम्फीबियंस तो फिश में और एम्फीबियंस में एसोफेगस शॉर्ट है बट लार्जर इन एमनियोट्स ड्यू टू देयर लॉन्गर नेक्स्ट तो जो एमनियोट्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं बेसिकली रेप्टाइल्स से रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ठीक है ये सारे के सारे एमनियोट्स हैं तो so फिश और एम्फीबियंस में शॉर्ट है लेकिन रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स में आ, जो हमारे पास एसोफेगस है ये लॉन्गर है ग्रेन एंड सीड ईटिंग बर्ड्स ठीक है ऐसे बर्ड्स जो कि ग्रेन वगैरह यानी कोई दाने वगैरह खाते हैं और सीड ईटर्स हैं ठीक है तो उनमें क्या होता है क्रॉप प्रेजेंट होता है अब क्रॉप जो है ये कहाँ से डिवेलप होगा ये इसी एग, एसोफेगस से ही डिवेलप होता है इट डिवेलप फ्रॉम दउडल पोर्शन ऑफ एसोफेगस तो काउडल पोर्शन यानी एसोफेगस का लास्ट वाला पोर्शन होता है ठीक है तो वहां से क्रॉप डिवेलप होता है ग्रेन और सीड ईटिंग बर्ड्स में नाउ द गिजर्ट ओके सो गिजर्ट इसका जो पर्पज है वो है मैकेनिकल ग्राइंडिंग सो फिशेस रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडिलियंस एंड ऑल द बर्ड्स हैव गिजर्ट ठीक है तो ये वो ऑर्गेनिजम्स uh, हैं जिनमें गिजर्ड प्रेजेंट होगा फिश में भी है रेप्टाइल्स में भी है क्रोकोडिलियंस में भी है और जितने भी बर्ड्स हैं सब में गिजर्ड प्रेजेंट होता है एज यू कैन सी हियर स्टमक ठीक है और स्टमक के नीचे है गिजर्ड गिजट का काम होता है फूड के पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग करना ओके okay? सो so, बर्ड्स गिजर्ड डेवलप्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक कार्ड वेंट्रिकुलस तो हमारे पास जो तो स्टमक है उसका पोस्टीरियर पार्ट है वेंट्रिकुलस जहां से गिजर्ट डिवेलप होगा जैसे हमने एसोफेगस में देखा कि एसोफेगस का जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा वहां से क्रॉप डेवलप होता है और स्टमक का जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहां से गिजर्ड डेवलप होता है इन बर्ड्स ठीक है देन पेबल्स दैट हैव बीन स्वेलोड आर ओफन रिटेन्ड इन द गिजर्ड ऑफ ग्रेन ईटिंग बर्ड्स यानी जो हमारे पास बर्ड्स जो कि ग्रेन ईटर्स हैं ईटिंग के, है, के दौरान या स्वेलोइंग के दौरान कुछ जो सैंड पार्टिकल्स हैं या पेबल्स वगैरह हैं स्टोन हैं छोटे छोटे वो भी मूव कर जाते हैं इनकी एलिमेंट्री केनाल में और इनके गिजड़ में जाके स्टोर हो जाते हैं और ये जो पेबल्स हैं दीज आर हेल्पफुल इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड मटीरियल ओके नाउ द रूमन्स रूमन्स जो हैं ईट नाउ एंड डाइजेस्ट लेटर ओके तो रूमन हमारे पास जो है जिन ऑर्गेनिजम्स में रूमन्स प्रेजेंट हैं रूमन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दे आर गोइंग टू च्यू देअर कट यानी ये करते क्या है कि ये फूड को एक ही दफा में बहुत ज्यादा फूड को एनगल्फ कर लेते हैं ठीक है और अपने रूमन में इसको स्टोर करेंगे और टाइमली उसको जो है वो अः च्यू देअर कट का मीनिंग क्या होता है उर्दू में जगाली करना आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे पास काउस वगैरह हैं Uh, उनकी माउथ uh, से वो हर वक्त अपने माउथ को जो है अपने मुंह को हिलाती रहती हैं ठीक है थीके? उनको उसको मूव करवाती रहती हैं यानी वो कर क्या रही होती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जिनकी फूड है वो डाइजेस्ट हो रही होती है ठीक है so, uh, तो दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट काओ शीप एल्क बाइसन वाटर बफलो गोट्स जिराफ कैरीबो एंड डियर ठीक है तो हमारे पास जो रूमिनेंट्स हैं इनमें रूमिनेंट्स में होता क्या है कि जो अपर पोर्शन है स्टमक का इट्स गोइंग टू एक्सपैंड एंड इट विल फॉर्म अ लार्ज पाउच दैट इज नोन एज रूमेन ठीक है तो इनके जो स्टमक का अपर पोर्शन होता है वो एक्सपैंड हो जाएगा और वो रूमेन बनाएगा ठीक है एंड अ स्मॉल रेटिकुलम ठीक है रूमेन एंड रेटिकुलम तो स्टमक का अपर पोर्शन यानी इनका जो पूरा स्टमक है एक तरीके से मॉडिफाई हो चुका है रूमेन में तो इसका जो अपर पोर्शन है इट्स बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म द रूमेन एंड द रेटिकुलम ठीक है और जो लोअर पोर्शन है ठीक है दिस वन दिस लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक ये जो है ये मॉडिफाई हो चुका है ओमेसम में ठीक है और विद अ ट्रू स्टमक और एब ओमेसम तो ओमेसम और एब ओमेसम में मॉडिफाई हो चुका है सो एब ओमेसम इज नोन एज द ट्रू स्टमक ठीक है सो so, जो एंटीरियर पोर्शन है अपर पोर्सन स्टमकू रोम इट एनकाउंटर्स दाइक्रो ऑर्गेजम रोमन वो, uh, uh, वो जगह है जहां पे माइक्रो ऑर्गेजम्स प्रेजेंट होते हैं तो फूड फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर होगी रोमन में ठीक हैिजम uh,

रूमन मेंगनिजम्स हैं वो फूड को प्रोसेस कर देंगे तो में ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेजम्स और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की को फेस करती है फूड ठीक है लेकिन जो हमारे पास सीका है इन टिपिकल नॉन रूमिनंट जो नॉन रोमिनंट एनिमल्स होते हैं ठीक है इनमें माइक्रोबियल एक्शन ऑन द आफ्टर डाइजेशन ठीक है यानी रूमिनेंट्स में माइक्रोबियल एक्शन बाद में होता है पहले होता है और देन डाइजेशन होती है हमारे पास ओमेसम में लेकिन जो हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉन रोमिनेंट्स हैं उनमें सीका प्रेजेंट है ठीक है उनमें माइक्रोबियल एक्शन बाद में होगा और डाइजेशन पहले हो जाती है ठीक है तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं रैट्स दे डाइजेस्ट द बाय मेंटेनिंग अ पॉपुलेशन ऑफ द माइक्रो इन देयर लार्ज सिकम द ब्लाइंड पाउच दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कोलोन कोलोन जो है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ठीक है तो जितने भी नॉन डोमिनेंट एनिमल्स हैं उनमें पहले क्या होगा कि फूड डाइजेस्ट हो जाएगी देन uh, हमारे पास सिकम में माइक्रो माइक्रोर्ग्निजम्स प्रेजेंट होते हैं और फिर माइक्रोबियल एक्शन होगा फूड पे डाइजेस्टिड फूड पे ओके okay जी नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स सो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो एनिमल्स विद अ मोर कम्प्लेक्स बॉडी प्लान हैव अ डाइजेस्टिव ट्यूब विद टू ओपनिंग्स अ माउथ एंड एन एनस जितने भी कम्पलेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइजेस्टिव ट्यूब की दो ओपनिंग्स होती हैं द एंटीरियर वन इज द माउथ और पोस्टीरियर वन हमारे पास है जी एनस ठीक है तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स में है माउथ और एनस जितने भी कम्पलेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं माउथ एंड एनस ठीक है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसको हम कहेंगे और हर रीजन इसका स्पेशलाइज्ड है फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड एंड फॉर द न्यूट्रिशन और फॉर द एब्सॉर्बशन ओके जी सो मेमोलियन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें सो इट्स अ कंप्लीट मेमोलियन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली सो मेमोलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास दो चीजें हैं एक तो पूरी की पूरी एलिमेंट्री केनाल है ठीक है ये एलिमेंट्री केनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं यानी पहले हमारे पास ओरल कैविटी है देन 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 है stomach, intestine, intestine, है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन लार्ज ठीक एक्सेसरी ग्लैंड में आए हमारे पास जी लिवर और पेंक गैस ठीक है ग्लैंड के तौर पर ये वर्क करते हैं और कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो हमारे पास स्टमक में है तो ये ग्लैंड जो है ये अपनी सिक्युएशन रिलीज करते हैं ताकि इस एलिमेंट्री कैनाल में फूड थोरली डाइजेस्ट हो सके ओके सो so,

िटी इन एलिमेंट्री के नाल सो यानी हमारे पास जो पूरी एलिमेंट्री के नाल है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें फूड कैसे मूव करेगी उसका हमें पहले स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे एक दफा देखना होगा तो इसकी ये हमारे पास वॉल का स्ट्रक्चर है इसमें एज यू कैन सी हियर सबसे इंटरनल साइड पे म्यूकोजा ठीक है लाइनिंग है म्यूकोजा के बाहर सब म्यूकोजा है ओके एंड उसके बाहर जो है वो हमारे पास सर्कुलर मसल्स की then हैल मसल्स की लेयर है ठीक है तो म्यूकोजा सबसे इंटरनल लाइनिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की देन उसके बाहर सब म्यूकोजा दैन सर्कुलर मसल लॉन्गिट्यूडनल मसल ओके सो फूड मूव थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल बाय सीलिया एंड बाय मस्कुलेचर स्ट्रक्चर यानी मसल्स तो सीलिया की हेल्प से जो यहाँ पे म्यूकोजा में प्रेजेंट है म्यूकोजल सेल्स में प्रेजेंट है सीलिया और एंड देन हमारे पास जो है वो मसल्स प्रेजेंट होते हैं एज यू कैन सी हियर हमारे पास सबसे आउटर साइड पे लॉन्गिट्यूडनल एंड देन सर्कुलर मसल्स हैं ठीक है फिर हमारे पास सब म्यूकोजा है फिर हमारे पास जो है वो सबसे आउटर साइड पे जो है ये लाइनिंग है जिसको सिरोजा कहा जाता है ठीक है एक्चुअली Uh, सबसे आउटर साइड पे जो लॉन्गिट्यूडनल uh, मसल्स के बाहर कवरिंग uh, है वो सीरोजा है तो सबसे आउटर मोस्ट है जी एलिमेंट्री uh, कैनाल की वॉल का स्ट्रक्चर सबसे आउटर मोस्ट सीरोजा देन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स देन सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा तो म्यूकोजल लाइनिंग में सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से फूड पार्टिकल्स मूव करेंगे ठीक है तो दो तरह के मसल्स हैं सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नाउ

ऑफ द आल्टरनेट कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिंग स्मूद मसल प्रेजेंट इन दिलीमेंट्री कैनाल वॉल ठीक है देन हमारे पास है जी पेरिस्टालसिस तो पेरिस्टालसिस आर द वे ऑफ कंट्रैक्शन बिहाइंड मैस दैट मूव इट थ्रू द गट ठीक है तो पेरिस्टालसिस तो सिंपलेस्ट मूवमेंट है

ऑर्गेनाइजेशन और फाइव मेजर रीजन ओके जी तो हमारे पास जो है फाइव मेजर रीजन डाइजेस्टिव और एलिमेंट्री के नाल तो वो फर्स्ट रीजन जो है वो क्या फंक्शन करेगा वो फंक्शन करेगा रिसेप्शन का यानी फूड पार्टिकल्स को रिसीव करना फूड को रिसीव करना देन सेकंड है कंडक्शन और स्टोरेज करना फूड की देन थर्ड है ग्राइंडिंग और उसकी डाइजेशन करना फोर्थ है हमारे पास उसकी टर्मिनल डाइजेशन और उसकी एब्जॉर्बशन एंड देन फिफ्थ वन है वाटर की एब्जॉर्बशन और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज आउट करना बॉडी से ठीक है इनिशियल रिसेप्शन में ओरल कैविटी इन्वॉल्व है देन हमारे पास कंडक्शन में जो है वो इन्वॉल्व है एसोफेगस देन स्टोरेज में इन्वॉल्व है स्टमक ठीक है ग्राइंडिंग और अर्ली डाइजेशन में भी हमारे पास स्टमक इन्वॉल्व है और स्टमक uh, और क्रॉप और गिजर्ड डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में ठीक है देन हमारे पास टर्मिनल uh, डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन है और एब्जॉर्प्शन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन है और वाटर एब्जॉर्प्शन में लार्ज इंटेस्टाइन है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स में भी लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस प्रोसेस को डिटेल uh, में जो फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है तो फर्स्ट वन इज द रिसीविंग रीजन अगर हम रिसीविंग रीजन की बात करें सो एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम रिसीविंग रीजन की अगर हम बात करें तो रिसीविंग रीजन में सबसे पहले आता है माउथ पार्ट ठीक है माउथ पार्ट में है मैंडिबल्स जॉज एंड टीथ देन है बक्कल कैविटी बक्कल कैविटी में हमारे पास कंप्लीट माउथ और ओरल कैविटी आ जाएगी दैट इज बाउंडेड बाय द चीक्स टंग एंड द टीथ ओके देन हमारे पास फेरिंग्स है ठीक है एज यू कैन सी हेयर इनिशियली द माउथ कैविटी एंड देन फेरंगन स्लाइबरी ग्लैंड है जो कि हमारे ऑरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और स्लाइबरी ग्लैंड सेलीज होता है ठीक है ये एक लिक्विडी सिक्रीशन uh, है स्लाइवा जो है इट विल बी रिलीज बाय द थ्री पेयर्स ऑफ द स्लाइबरी ग्लैंड ठीक है ये जो थ्री पेयर्स है स्लाइबरी ग्लैंड के ये ऑलरेडी डायग्राम में शो कर दिए गए हैं ठीक है और वो तीन पेयर्स जो हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड्स के वो हमारे पास हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ठीक है सब लिंग ओके एंड सब मैगजिलरी है तीन तरह के पेयर्स ऑफ ग्लैंड हैं सब लिंग बिलो द टंग है सब मैगजिलरी बिहाइंड द मैग्जीला है एंड पैरोटिड ग्लैंड हैं है दीज आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इज तो इन तीनों से जो है वो सिक्रिशन uh, रिलीज होती हैं हैं। हैं जिसको हम हम। कहते तो so, की composition और उसके functions देखते हैं हम। saliva का, का काम क्या होता है moist करना को को ठीक है and, uh, इस food को, mucins, glycoproteins, के साथ bind करवाना इट फॉर्म्स द इंजेस्टेड फूड इन टू अस्ड मैसोल ठीक है इस फूड uh, को बोलस में कन्वर्ट करना एंड स्लाइवा कॉन्टेन्स द्बोनेट और बाइ कार्बोनेट आइंस का फंक्शन क्या होता है ये बफरिंग कैपेसिटी रखते हैं बाई कार्बोनेट आइंस ठीक है एंड देन ऑल्सो कॉन्टेन्स थायोसायनेट आइंस और इनका काम क्या होता है थायोसायनेट आइंस और लाइजोजाइम एंजाइम इन दोनों का काम क्या होता है माइक्रोगनिजम्स को किल करना ठीक है

ओके जी सो हमारे पास सेकंड पार्ट है कंडक्शन एंड स्टोरेज रीजन अगर हम कंडक्शन और स्टोरेज रीजन की बात करें तो एसोफेगस जो है ये कंडक्टिंग रीजन है और ये फूड को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम द कैविटी टू स्टमक ठीक दिन वर्टिब्रेट्स में यानी एनिल और ओक्टोपोर्ट्स में एसोफेगस का हमने देखा कि जो पोस्टीरियर पोर्शन है इट विल बी एक्सपेंडेड इन द क्रोप ठीक है तो क्रोप जो है इन ऑर्गेनिजम्स में फूड को स्टोर करने का काम करेगा और बाकी ऑर्गेनिजम्स में फूड को कौन स्टोर करेगा वो है स्टमक ठीक है तो क्रॉप जो है वो हमारे पास कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं और बर्ड्स हैं जिनमें फूड को स्टोर करने के लिए ये यूज होता है और ये एसोफेगस की ही मॉडिफिकेशन से बनता है देन रीजन ऑफ ग्राइंडिंग एंड अर्ली ओके सो

ताकि उसकी फर्दर ब्रेक डाउन हो सके फॉर फर्दर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड ओलिगो चीट्स एंड बर्ड्स हैव अ मस्कुलर दैट इज असिस्टेड बाय और ग्रिस्ट फूडो विद फूड ठीक है तो हमने ये ऑलरेडी भी देखा कि गिजड़ ये स्टमक की ही मॉडिफिकेशन से बनता है जैसे एसोफेगस की मॉडिफिकेशन से बनता है क्रॉप ठीक है उसी तरीके से स्टमक की मॉडिफिकेशन से बनता है गिजड़ तो स्टमक का काम है ग्राइंडिंग करना और यहाँ पे गीजर का भी काम है फूड की ग्राइंडिंग करना ठीक है देन हमारे पास स्टमक को अब हम डिटेल में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक फंक्शन तो स्टमक जो है ये एक डिस्टेंसिबल और मस्कुलर सैक है और इसके फंक्शन क्या है स्टोर्स एंड द फूड ठीक है एंड इट सीक्रेट दबस्टांसिस एंजाइम्स म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड

स्टोर करना उसको मिक्स करना सिक्रीट करना सबस्टांसिस को और कंट्रोल करना मूवमेंट ऑफ फूड को इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ओके जी सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्टमक स्टमक स्ट्रक्चर जो है इट इज मेड अप ऑफ इनर म्यूकस मेमब्रेन ठीक है जैसे हमने देखा कि जितनी भी हमारी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें सबसे इंटरनल जो लाइनिंग है वो हमारे पास म्यूकस है म्यूकोजा है ठीक है आउटर मोस्ट सीरोजा देन सब म्यूकोजा देन म्यूकोजा ठीक है तो सबसे इनर वाली म्यूकोजा है तो म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं जी गैस्ट्रिक सेल्स अब वो गैस्ट्रिक सेल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं ठीक है थ्री टाइप्स के हैं वो गैस्ट्रिक सेल्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर हम उन्हें कहें तो फर्स्ट टाइप के जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिक सेल्स और आर पेराइटल सेल्स ठीक है तो पेराइटल सेल्स से क्रिएट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके देन सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स जो है वो हमारे पास गेस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स चीफ सेल्स रिलीज करते हैं पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव होता है और बाद में इसको पेप्सिन यानी इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ये पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एनजाइम है देन हमारे पास है जी म्यूकस सेल्स ठीक है तो म्यूकस सेल्स जो है दे आर गोइंग टू सिक्रीट द म्यूकस ओके सो ये हमारे पास तीनों तरह के जो ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है म्यूकोजा में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स थ्री टाइप्स के हैं प्राइटल सेल्स

और फिर है हमारे पास म्यूकस सेल्स दैट विल रिलीज द म्यूकस तो कलेक्टिवली इन तीनों ग्लैंड्स की इन तीनों तरह के सेल्स की जो सिक्रेशन हैं स्टमक में रिलीज हो रही हैं इसी को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस ओके फूड स्टमक इट दूड एंटर होगी हमारे पास स्टमक में तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, है वो, इस, वो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करेंगे ठीक है तो गैस्ट्रिक जूस जैसे ही सिक्रीट होगा उसमें जो पैप्सिनोजिन है वहीं पे प्रेजेंट एच सी एल उस पैप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा पैप्सिन में पैप्सिन में

So, food की यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन के बाद अब जब पूरा गैस्ट्रिक जूस अटैक करेगा फूड पे तो हमारे पास यहाँ पे पेरिस्टार्टेक और सेगमेंटेशन एक्टिविटीज uh, की वजह से जो फूड है वो हमारी सेमी सोलिड मैस में कन्वर्ट हो जाएगी दैट इज नोन एज दाइम ओके

सो इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लॉन्गेस्ट सेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का और मेजर ऑर्गन है एबजॉर्बशन का ठीक है इसका सर्फेस एरिया जो है वो इंक्रीज होता है फॉर द एब्सॉर्बशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स ओके सो विलाई एब्जॉर्ब्शन इसका जो एबजॉर्प्शन एरिया या सर्फेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इंटेस्टाइनल टिश्यू इन द बॉड एंड मैमल्स एज यू कैन सी हेर ये हमें आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से नजर आ रहे हैं दीज आर नोन एज विलाय ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये विलाय है एक को हम वील्स कहते हैं कलेक्टिवलीय ओके तो अः विलाई क्या की जो हमारे पास ये लाइनिंग है ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है इसके ऊपर भी कुछ मजीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई एज यू कैन सी हियर ये हमारे पास एक एपिथेलियल सेल है सो so इस एक एपिथीलियल सेल में मजीद कुछ छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं ठीक है विलाई की तरह ही नजर आ रहे हैं दीज आर नोन एज माइक्रोविलाई इनका काम होता है सरफेस एरिया को मजीद इनक्रीज करना ओके okay? देन अगर हम एक विलाई को देखें एक विलाई के स्ट्रक्चर को देखें सो इसके सेंटर में एक लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट है दैट इज नोन एज और इसके ब्लड का नेटवर्क है ठीक है ठीक तो ये हमारे पास विलाय माइक्रोविलाई एंड देन विलाई का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे क्लियर हो गया ओके okay जी सो so, जैसे ही हमारे पास काइम एंटर होगा ड्यूडिनम में ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम तो जैसे ही स्टमक से एसिडिक विल एंटर द ड्यूडिनम सो इट विल लीड टू द स्टिमुलेशन ऑफ द देंक्रियाज लीवर गाल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन ओके सो इट विल लीड टू द सो so, पेंक्रियाज uh, जो हमारे पास है इनिशियली होता क्या है कि जैसे ही फूड एंटर होगी एसिडिक काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका जो फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम है उसमें एंटर होगी एसिडिक काइम तो इट विल स्टिमुलेट द पेंक्रियाज ठीक है एंड लिवर एंड गाल ब्लड और इंटेस्टाइन तो इन चारों चीज़ों को जो एसिडिक काइम है ये स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से uh, जो पेंक्रियाज है इट विल रिलीज द पेंक्रियाटिक जूस

तो बाइल जो है इट विल बी स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर बाइल बनती कैसे है जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स लीवर में आएंगे तो लिवर हमें पता है कि ओल्ड रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन करेगा सो आफ्टर ब्रेकिंग डाउन द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स उससे पिगमेंटेड लिक्विड uh, बनता है दैट इज नोन एज बाइल ठीक है बाइल uh, का जो कलर है वो ग्रीन है ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स ओके बाइल में किसी किस्म के कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते लेकिन इसमें प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? तो बायल स्टोर्ड इन द ब्लैडर और फिर टू द ड्यूडिनम ओके जिस तरह से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडिनम में उसी तरीके से जो बायल है वो गाल ब्लैडर से बायल डक्ट से होती हुई एंटर होगी ड्यूडिनम में ठीक है

फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि लाइपेज एंजाइम उसके ऊपर इजीली अटैक कर सके दैट इज कमिंग फ्रॉम द जूस ठीक है देन हमारे पास जो तो जेजुनम और इलियम है क्योंकि फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुकी है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन कम्पलीट हो चुकी है ड्यूडिनम में और लिपिड्स की स्टार्ट हो चुकी है so, जेजुनम और इलियम इनका काम होता है कि जो अब हमारे पास डाइजेस्टिव कॉन्टेंट्स है उनको एबजॉर्व करना ठीक है यानी जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है इमायो एसिड्स शुगर्स न्यूक्लियोटाइड्स और वाटर इनके एबजॉर्ब करना और इनको ब्लड में भेजना क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पार्ट इलियम है और इलियम में प्रेजेंट है विलाई और माइक्रोविलाई ठीक है जो इन तमाम चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे ओके जी सो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की एबजॉर्बशन की तो इनिशियली जो हमारे पास शुगर्स और इमायनो एसिड्स हैं जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है आ, इलियम उसमें उसके ल्यूमन में जो शुगर्स और विलाई ठीक है ये तो डायरेक्टली इजिल एबजॉर्ब हो जाएंगे cells, लेकिन जो फैटी एसिड्स है ये क्रॉस करेंगे एपिथीलियल सेल्स को ठीक है और एपिथीलियल सेल्स में क्या करेंगे दे विल रिकम्बाइन विद ग्लिस द्राई ग्लिसराइड्स ठीक है और उसके बाद क्या होगा कि यही जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं आर कोटेड विद प्रोटीन टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स इन्हें हम कहते हैं काइलो माइक्रोन्स ठीक है और फिर हमारे पास इन एपिथीरियल सेल्स से काइलो माइक्रोन्स मूव करेंगे जो लेक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ठीक uh, है हमारे पास विलाई में जो लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट है लेक्टियल ये उसमें एंटर होंगे ठीक है एंड देन लिम्फेटिक से एंटर होंगे ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम में फिर एंजाइम होगा जो इन काइलोमाइक्रोन की फर्दर ब्रेक डाउन करेगा ताकि ये ब्लड से आ, सेल्स में एब्सॉर्ब हो सके Then हमारे पास फैट्स आ, की जो एमलिफिकेशन है, है क्योंकि वो बायल सार्स करते हैं ठीक है तो माइसिलीस तो है टाइनी कंसिस्ट ऑफ द द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराइड्स विद ठीक है तो यानी हमारे पास फैट्स फैट्स अलंग विद द इनको हम कहते हैं माइसिलीज तो है, तो ये क्रॉस करेंगे को मूव करेंगे हमारे पास जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें वाटर एब्जॉर्न लार्ज इंटेस्टाइन तो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें इसके तीन पार्ट्स होते हैं सीकम कोलोन एंडम इलियम एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं हमारे पास सीकम कोलोन एंड रेक्टम ठीक है तो सीकम जो है ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगी और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी तो वहीं पे ही एक ब्लाइंड एंडेड सैक प्रेजेंट है दैट इज नोन एज दी सीकम ठीक है और फिर सीकम से एक एक्सटेंशन निकलती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स तो अपेंडिक्स जो है ये एक रेमनेंट है इवोल्यूशनरी रेमिनेंट है हमारी बॉडी में ठीक है जो पहले यूजफुल था इन हरबी बोर्ड्स तो हमारी बॉडी में इसका जो है वो कोई फंक्शन नहीं है ठीक है इसको रिमूव कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है जी वाटर uh, को रिअब्जॉर्ब करना जितना भी हमारे पास वेस्ट आ रहा है ठीक है डाइजेस्टिव वेस्ट उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करके भेजना बॉडी में वापस मिनरल्स को रि करना ठीक है और फीसिस की फॉर्मेशन करना और अगर हमारे पास वाटर जो है वो इसकी एब्जॉर्बशन इनसफिशेंट uh, हो फ्रॉम द डाइजेस्टिव वेस्ट तो इट विल लीड टू डायरिया और अगर वाटर की रि मैक्सिमम हो जाए फ्रॉम द डाइजेस्टिव वेस्ट सो योर डाइजेस्टिव वेस्ट आर गोइंग टू बी हार्ड एंड इट विल लीड टू द कॉन्स्टिपेशन कंडीशन ठीक है मैन हमारे पास जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के वहाँ पे रह रहे हैं ठीक है यानी हमें बेनिफिट ये पहुंचाते हैं और ये करते क्या हैं बैक्टीरिया और फंजाई हमारी फूड रेजिड्यू के ऊपर फीडिंग करते हैं ठीक है और ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ पे ये रिलीज करते हैं इमाइनो एसिड्स और विटामिन के को और इन्हीं इमानो एसिड्स और विटामिन के को हमारी जो गट है वो रिअब्सॉर्ब कर लेती है ठीक है

एंड हमारे पास वाइटामिन डी एक्टिवेशन ऑफ वाइटामिन डी मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर मैन्युफैक्चर ऑफ दाल्टर देशन ऑफ फैट्स एंड स्टोरेज सेंटर मेन स्टोरेज सेंटर स्पेसिफिकली इट स्टोर्स दी ग्लाइकोजन ओके एंड इट ऑल्सो स्टोर्स द फैट सोलिबल वाइटामिन जैसे कि वाइटामिन ए डी ई एंड के ये फैट सोलिबल वाइटामिन जिनको के लिवर स्टोर करता है नहीं, हम अगर गाल ब्लेडर की बात करें तो गाल नियर दिवर और गाल ब्लेडर क्या करता है ओल्ड वर्न आउट और रेड ब्लड सेल्स बाइल जो है इसमें किसी किस्म के कोई एंजाइम्स नहीं है इट कंटेन्स दिगमेंट ओके इट कंटेन्स द कोलेस्ट्रोल लेन म्यूसिन बिलिबिन एंड सोल्टिजेंट्स टू एमलिफाई फैट्स ओके एंड बायल सॉल्ट में जो है वो हमारे पास बायल सॉल्ट के साथ जो फैट्स हैं दे आर गोइंग टू कम्बाइन विद बास एंड दे माइसरीज जिनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं ओके okay? नाव है जी हमारे पास न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो वाइटामिन हमारी बॉडी में इन स्मॉल अमाउंट्स तो वाइटामिन दीज आर टू टाइप्स फैट सोलिबल एंड वाटर सोलबल ठीक है फैट सॉलिबल वाइटामिन हमारे पास वाइटामिन ए डी ई एंड के ठीक है तो इनके जो हमारे पास बॉडी में डिफरेंट इनको गेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस हैं जो लिस्ट किए गए हैं यू हैव टू टेक अ लुक ऑन ठीक है देन इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके क्या फंक्शन हैं इनको आपको एक दफा देखना है जैसे वाइटामिन ए है तो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है वाइटामिन और कैरोटीन से इसकी सिंथेसिस होती है लिवर में स्टोर होता है एंड स्टेबल इन हीट एसिड एंड अल्कलीस ठीक है और इसका काम क्या है विटामिन ए का विजुअल पिगमेंट है ये हमारे पास ठीक है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है विटामिन डी की बात करें तो ये हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्बशन को प्रमोट करता है टीथ और बोन्स की डेवलपमेंट को प्रमोट करता है वाइटामिन ए की हम बात करें तो एंटी है एंड इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ वाइटामिन एंड फैटी एसिड्स एंड सेल मेम्रेन की स्टेबिलिटी में भी रोल परफॉर्म करेगा वाइटामिन के बात करें तो इट इज इन्वॉल्व इन दिथेसिस ऑफ प्रोथरबिन हमारे पास वॉटर सोलबल वाइटामिन थािनट इज ऑल्सो नोन एज वाइटामिन बी वन ठीक है तो इसके फंक्शन हैं जी के तौर पर काम करता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड राइबोस राइबो है इसका सेकेंड नेम है वाइटामिन बी ठीक है तो ये को के तौर पर एंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज निकोटिनिक एसिड और विटामिन बी थ्री ठीक है ये भी कोम्स के तौर पे वर्क करेगा एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ठीक है ऑफ फैट्स प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स विटामिन बी सिक्स

For the synthesis of myelin sheath of the neurons, folate or folic acid or vitamin B, vitamin B nine. It is required for the metabolism of the amino acids and the synthesis of DNA and the production of RBCs. Biotin. Um, biotin is required for the metabolism of amino acids and fatty acids and for the synthesis of nucleic acids. Ascorbic acid or vitamin C.

Uh, it's a component of bone and teeth and is required for blood clotting, okay, and needed for the muscle, and neuron, and cellular functions. Chlorine is the negative ion in extracellular fluid, okay, and uh, it is important in acid base and fluid balance. Then magnesium is a component of coenzyme and is required for the neuron and muscle function. And phosphorus is uh, the component of the bones and the blood plasma is required for uh, the synthesis of DNA, RNA, and ATP. Potassium is uh, involved in the muscle contraction and neuron excitability. Sodium is uh, present in extracellular fluids and is essential for the conduction of action potential. Sulfur is uh, required for the detoxification reactions and the metabolic activity. माइक्रोमिन की बात करें तो उसमें हमारे पास कोबाल्ट है कॉपर है फ्लोरीन है आयोडीन है आयरन है मैंगनीज है मोलिपडिनम uh, है सिलीनियम है एंड जिंक है सो यू नीड टू हैव अ लुक ऑन दीज फंक्शन शॉर्टली ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास माइक्रोमिनल्स के हैं देन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं हमारे पास तो फैटी एसिड्स जो है वो दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी दे आर वर्किंग एज द फ्यूल ठीक है

all of these are essential nine amino acid okay as you can see here these are essential nine amino acids or uh, these are uh, conditionally non essential okay uh, and uh, these are its non essential amino acids so uh, a diet that provides insufficient amounts of one or more essential amino acids causes to form malnutrition called the protein deficiency and it is more common in undernutrition in human populations and uh, most plant proteins are incomplete in amino acids okay so it was all about uh, the nutrition and digestion in humans hope uh, or in other animals hope you understand and uh, uh, these topics. so it would be very helpful for all of the candidates and students so inshallah hum haazir the next video ke saath. until then allah hafiz